गढ़वा की राजनीति में किसी भी विषय पर बेबाक रूप से बोलने वाले, मुखर होकर के अपनी बात रखने वाले के रूप में पहचाने जाने वाले भाजपा के पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी द्वारा विधानसभा क्षेत्र के हरेक प्रखंड में कार्यकर्ता सम्मेलन सह आक्रोश सभा का आयोजन किया जा रहा है। रंका रमकंडा के बाद आज उनकी वह आक्रोश सभा चिनिया प्रखंड में आयोजित हुई। ऐसे तो वह अपने संबोधन में सरकार को घेरती ही हैं, लेकिन आज उनके द्वारा एक इनाम की घोषणा की गई। उन्होंने जो जिस विषय को लेकर, जिस बात को लेकर इनाम की घोषणा की है, वह भी कम रोचक नहीं है। ऐसे तो उनके आक्रोश के केंद्र में, उनके संबोधन के केंद्र में गढ़वा विधायक सह सूबे के मंत्री मिथिलेश ठाकुर होते ही हैं। यह इनाम की घोषणा भी कुछ उन्हीं से मिला जुला है। वह इनाम की घोषणा आखिर उनके द्वारा क्यों की गई, इससे पहले वह हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको खबर दिखाते हैं। चिनिया प्रखंड मुख्यालय में आक्रोश सभा का आयोजन हुआ, जहां सैकड़ों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता एवं आम जनता मौजूद रहे। वहां पर जैसे ही पूर्व विधायक अपने दर्जनों गाड़ी के काफिले के साथ वहां पहुंचे, लोगों द्वारा भव्य उनका स्वागत किया गया। स्वागत करने का भी कारण है, कारण यह है कि उनकी तबीयत नासाज हुई थी। वह पिछले दिनों एक दुर्घटना के शिकार हुए थे, उसमें भी कुछ दिन विलंब हुआ, वह क्षेत्र में लोगों से संपर्क नहीं कर सके, लोगों के बीच नहीं जा सके। फिर उन हॉर्निया का ऑपरेशन भी उनके द्वारा कराया गया, इस बीच भी विलंब हुआ। तो एक लंबी अवधि के बाद उनके द्वारा अपने क्षेत्र में जाया गया। तो इस दौरान जहां भी वह पहुंच रहे हैं, जहां भी जिस प्रखंड में सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, आक्रोश सभा का आयोजन हो रहा है, तो वहां पहुंचते के साथ लोग उन्हें हाथों हाथ ले रहे हैं, उनका भव्य स्वागत कर रहे हैं और उनकी बातों को पूरी तलीनता के साथ सुन रहे हैं। तो आज चिनिया प्रखंड मुख्यालय में, जहां मैंने आपको बताया कि कार्यक्रम का आयोजन हुआ, तो मंच पर उनके साथ साथ भाजपा के गढ़वा जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी मौजूद रहे, पूर्व सांसद ब्रजमोहन राम मंच पर थे, सांसद के भावी प्रत्याशी हैं पलामू संसदीय क्षेत्र के प्रभात भुइयां, वो भी मंच पर थे, एसी मोर्चा के जो केंद्रीय पदाधिकारी हैं भाजपा के, जवाहर पासवान मंच पर थे, संतोष दुबे मंच पर थे जो भाजपा के गढ़वा जिला महामंत्री हैं। तो सभी की मौजूदगी में सबसे पहले तो दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई, उसके बाद सबके द्वारा संबोधन किया गया, लोगों को संबोधित किया गया जो मौजूद रहे वहां पर, कार्यकर्ता हम लोग मौजूद रहे, उनको संबोधित किया गया। सबके केंद्र में सरकार ही रहा, झारखंड में जो वर्तमान सत्तासीन सरकार है वही सबके संबोधन के केंद्र में रहा। एक नाम और छूट गया, मैं बताना भूल गया, गढ़वा के जो संगठन प्रभारी है अमित सिंह, वह भी मुख्य रूप से मौजूद रहे, इस कार्यक्रम में शिरकत किए। रमकंडा और रंका में दो जगह मौजूद वो नहीं रह सके थे, लेकिन आज इस कार्यक्रम में मौजूद रहे, उनके द्वारा भी कार्यक्रम को संबोधित किया गया। आप देख भी रहे हैं वीडियो में कि किस तरह लोगों की भीड़, अपार भीड़ उमड़ पड़ी है। लोगों को जैसी जानकारी हुई कि अब हमारे यहाँ कार्यक्रम तय है, तो निर्धारित वक्त के साथ लोग वहां पर सैकड़ों की संख्या में पहुंच रहे हैं और अपने पूर्व विधायक का, अपने पार्टी के पूर्व विधायक जो है सदन तिवारी, उनका भव्य स्वागत भी कर रहे हैं, उनकी बातों को सुन भी रहे हैं। अब बात रही जो हमने शुरू में कहा था कि आखिर पूर्व विधायक द्वारा बोलने के साथ साथ इनाम की घोषणा आखिर उनके द्वारा किस बात को लेकर की गई, तो आपको हम बताते हैं। उनके द्वारा कहा गया कि गढ़वा के जो वर्तमान विधायक है, सराज के मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, उनका अगर पैतृक आवास आप बता दें तो आपको 1,000, 2,000, 1 और 2 लाख नहीं बल्कि पूरे 7 लाख रुपए इनाम की राशि पूर्व विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी द्वारा दी जाएगी। तो आपको अगर आपको जानकारी है कि मिथिलेश ठाकुर का पैतृक आवास कहाँ है तो आप बतावें और बता के इनाम की राशि आप पावें सत्येंद्रनाथ तिवारी द्वारा। जहां एक तरफ अपने संबोधन के जरिए भी बात कही गई, वहीं दूसरी जब और जब वो मीडिया से भी मुखाते हुए उस समय भी इस बात को उन्होंने दोहराया कि मैं कहां हूं, मैं रंका में जब सभा हुई थी, कल की बात है, वहां पर 6 लाख की राशि है थी, उन्होंने बात कही थी कि 6 लाख के हम इनाम की राशि जो है देंगे, जो अगर नाम बताएगा उस गांव का। अब चिनिया में जब उनके द्वारा सभा की गई
तो वहां भी उनके द्वारा कहा गया कि नाम की राशि हम एक दिन बाद ही ठीक 1,00,000 रुपया बढ़ा दिए हैं, 7,00,000 रुपया देंगे। कल मेराल में कार्यक्रम आयोजित है, ऐसा ना हो कि उनके द्वारा 8,00,000 की बात कर दी जाए। इसलिए अगर आपको इनाम की राशि चाहिए तो आप जल्दी करें और बतावें कि गढ़वा विधायक सराज के मंत्री मिथिलेश ठाकुर का पैतृक आवास कहाँ है। इस बात की को बार बार दोहरा रहे हैं पूर्व विधायक कि जो उनके पैतृक आवास का नाम बताएगा उन्हें हम इतनी राशि इनाम के रूप में देंगे। अपने कार्यक्रम को देखा, अब हम आपको उनकी बातों को सुनाते हैं को मीडिया से मुखातिब होते हुए पूर्व विधायक ने क्या कहा। ये वर्तमान सरकार के आक्रोश में यह जनसमूह चीनिया छोटे प्रखंड जहां मात्र 7 पंचायत है और एक एक पंचायत 10 किलोमीटर बाई 15 किलोमीटर का पंचायत है और हमें लगता है कि कोई गांव ऐसा नहीं होगा, 34 गो गांव है जहां से कम 100 की संख्या में लोग नहीं आए होंगे। ऐसे तो ज्यादा भी है लेकिन मिनिमम 100 लोग प्रत्येक 34 गांव से लोग इकट्ठा हुए हैं। आज इनका जो आक्रोश यह बताता है कि वर्तमान सरकार का मौत बहुत नजदीक है, बहुत जल्द यह सरकार की अकाल मृत्यु होने की है। आप तो देख ही रहे होंगे जो हेमंत सोरेन के पुलिस रेट ले चल रहा है नोटिस लेके और दौड़ल पाख पिखी भागल चल रहा है, जो नोटिस लेबे नहीं करेंगे। अरे भाई खांसी के माई कई दिन जीतिया मनाई, अगर तुम पर वारंट हो गया, ईडी तुमको नोटिस दे रहा है तो तू दिल्ली लुकाओ चाहे इंग्लैंड लुकाओ, ये मोदी जी के सरकार है, ये विदेशों ले पैसों खलका के भगा के बला लेते हैं, ये कौन खेत के मूल्य है हेमंत जी। बहुत जल्दी आप देखिएगा जेल के सैलाखों के पीछे होंगे ये और पूरा सरकार अकाल मौत का शिकार होगा। तो इस तरह लगातार कार्यक्रम का आयोजन उनके द्वारा किया जा रहा है। और दूसरी ओर हम आपको बताएं कि आगामी 15 तारीख को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सराज के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी गढ़वा रहे हैं, संकल्प यात्रा की उन्होंने शुरुआत की है। अब वो पलामू प्रमंडल के दौरे में है जहां पर हर जिला मुख्यालय में उनके द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो संकल्प यात्रा के तहत जो बाबूलाल मरांडी गढ़वा आ रहे हैं वह कार्यक्रम गढ़वा जिला मुख्यालय के टाउन हॉल मैदान में आयोजित होगा। उस कार्यक्रम के निमित्त भी पूर्व विधायक ने कहा, उनके द्वारा कहा गया, अपील भी की गई लोगों से कि आप उस कार्यक्रम में निश्चित रूप से पहुंचे। उनके द्वारा इस कार्यक्रम के निमित्त भी क्या कहा गया वो भी आप सुनिए। मरांडी जी का देखिए 15 तारीख को एक कार्यक्रम है उनका, वह कार्यक्रम पूरे झारखंड के सभी विधानसभा में एक दिवसीय कार्यक्रम है उनका। उन लोगों को ला करके वर्तमान सरकार वर्तमान परिस्थिति और हालात के बारे में बताएंगे और उनका क्या संकल्प है, वो अपने संकल्प को भी हर विधानसभा भाई जिन्होंने दोहराने का काम किया है उसी निमित्त आज 15 तारीख को गढ़वा के टाउन हॉल के मैदान में आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी का कार्यक्रम तय हुआ है। यहाँ पर कार्यकर्ता में काफी उत्साह है, आज की इस कार्यक्रम को आप उसके निमित्त भी जोड़कर देख सकते हैं कि हम लोग आमंत्रण देने के लिए उनको बुलाए हैं। और दूसरा कार्यक्रम ये भी समझ सकते हैं, 4 महीना हमको एक्सीडेंट करा और हॉर्निया का ऑपरेशन कराया हुआ, एक लंबा गैप हुआ, हम अपने लोगों से मिल नहीं पाए थे, अपनी बातों को उन तक पहुंचा नहीं पाए थे, उसके निमित्त भी यह कार्यक्रम है। मतलब एक पारी में दोहरा शतक जिसे नहीं होता है, दोनों काम हो गया, निमंत्रण भी हो गया और 4 महीना के बाद भेंट मुलाकात भी गाँव गाँव के लोगों का हो गया, यही है आज का। नहीं नाम तो छोट मन है, नहीं इनाम तो यह पर हम तो अभियोग कह रहे हैं, हमारा चीनिया पार हो के पहले अगर कोई भी आदमी भैया जी के गांव के नाम बता देगा तो पहले 6,00,000 के कालबाजी था, 1,00,000 आज बढ़ गया। भैया जी के खाली गांव बता दीजिए कि कौन गांव है, वो जामल है, 7,00,000 नकदी इनाम। मेरा अभिप्राय ये है कि यहाँ के लोग इतने भोले भाले हैं, न जिसका गांव का पता है न नाम का पता है उसको भी लोग वोट देते हैं, लेकिन इसके लिए दोषी मैं उनको नहीं मानता हूँ, उसके लिए दोषी राजा साहब को मानता हूँ, मेन राजा। ये तो नकली राजा आजकल बरवाड़ी बनल है तो मानता ही है, एक साजिश के तहत उनको पहले भाजपा पार्टी में लाया गया और इसलिए लाया गया विरोधी द्वारा कि भाजपा पट्टिया में रहेगा ना तबे सतनर तिवारी हारेगा, नहीं तो अमर है, मुही वाला नहीं है, क्योंकि जनता का लाड़ प्यार दुलार और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यही से हमारे पट्टिया में घुस के अब ललकार के ना ही मरदे, बढ़िया आदमी है ठाकुर, एकदम सतनर तिवारी का नहीं जीतना है, काहे नहीं जीतने देंगे भाई, अब मन के गैया गैया कैले है, जमीनें भी लूटे दे रहा है गरीब के, चाहे जो समझाया हो, ललकार के वोट दिवा दिवा दिया गुलेल छाप में। अब आजकल कहता है कि पियरे कुर्ता पियरे गमछी लेके चलल चल रहा है, काहे ला हम भाजपे में है, आज पब्लिक बुर्बक नहीं है, पब्लिक है सब जानती है, आज लोग जानते हैं। आपको देहात में वो कहावत है कि घर भी देखेंगे और बर भी देखेंगे,
ऐसे मत सोचिए जी कोई घर बड़े को देखेगा बस दोनों गोरे नहीं है और आंख एकदम चापुट है तो पर कोई आज अपना बेटी के देगा क्या उलिका के नहीं देगा। हाँ छोटाने घर रहेगा लेकिन बर काबिल है वहां पर कन्यादान होता है। आप तो यो जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा दो ही दान होता है एक कन्यादान और दूसरा मतदान। मतदान में भी अगर कोई पैसा लेके मतदान करता है उसको पाप उतना ही लगता है जिस बाप को अपने बेटी के बेचने पर जितना पाप लगता है। हाँ लेकिन क्रिमिनल से रुपया लेने पर पाप नहीं लगेगा। जो आदमी मान लीजिए मेरा 6,60,000 रुपया खा गया माई और बेटा मिला करके खाया कि नहीं किया 5,000 महीना बोल लेता देता तो 60 महीना में 3,00,000 हो जाएगा। अब महिला लोग के जो कहा था सब महिला के 6,000 महीना देंगे 5 साल में वो 3,60,000 हो जाएगा तो माई बेटा के जोड़ दीजिएगा तो 6,60,000 हो गया कि नहीं हो गया। तो 6,60,000 तो मेरा उस पर निकल रहा है ठाकुर पर पहले 6,60,000 के अलावे अगर 100 भी वोट देगा 1 रुपया अगर देगा तो 100 के जाके शंकर भगवान के प्रसादी चढ़ा देंगे और जो 6,60,000 मिला एकर बदला वोट नहीं देंगे तो तुम्हारा पर निकल रहा है रे मेरा। तू तो घोषणा किया था तू तो वादा किया था वो रुपया ले ऊपर ओढ़ा देगा तब ना मन बुझे हमारा दिया सच बात यह है अगर नहीं है तो आप भैया जी को कहिएगा ये सतनर तिवारी चुनौती का दिया है और उनसे भी कहिएगा पब्लिक बड़ी खोज रहा है उनके गाँव के नाव के पाता क्योंकि 7,00,000 के बाजी मर ले सतनर तिवारी कम से कम जवन गाँव में उजामल है जहाँ कहें कल अखबार में छपवा दे। अभी गरीबों के जवन जो 6,000 महीना महिला लोग के कहे थे 5,00,000 रुपया जवन जो बेरोजगार के कहे थे वो सब जोड़ के ईमानदारी कुछ भरवा दीजिए। अगर नहीं भरवाइएगा ईमानदारी हम कह रहे हैं कि इंडिया का भारत का यह पहला विधानसभा होगा जहाँ के मंत्री 1,000 वोट को भी अगर देख गया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। ये मेरा चुनौती है भैया जी को। कुछ लोग तो कहते हैं कि वो कहता है कि हम यहाँ से वोटे नहीं लड़ेंगे। हम बोले इसको सदबुद्धि के दिया जान गया क्या जो पब्लिक लख गया है कहाँ से रुपया इतना भरेंगे। ठीक है बहुत रुपया चोरीले है तो पब्लिक को 6,60,000 जोड़ के मांग रहा है। मेरा आपसे विनती है पत्रकार महोदय ये भाई सत्येंद्र तिवारी विपक्ष का होकर भी कहा है कि गांव में मीटिंग करके सभी परिवार को 6,60,000 रुपया के हिसाब से पहले पैसा बांट दो। अगर नहीं बांटता है इसका मतलब 6,60,000 रुपया एक गरीब का तू देनदार है कर्जदार है ऊपर भी तू मरेगा तो तुमको नरक दिन के डेरा के भारी में ढकोल दिया जाएगा यही मेरा कहना है। इस तरह लगातार सरकार पर हमला बोलते हुए अब चुनाव का साल भी करीब आने वाला है ज्यादा दिन नहीं है। ऐसे तो कहा जाता है कि राजनीति में जब कोई व्यक्ति चुनाव जीतता है तो उसके अगले रोज से ही अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाता है तो इसके इसे चुनावी सभा भी हम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। इसे चुनावी सभा भी हम कह सकते हैं। भाजपा की संकल्प यात्रा जो है वह भी चुनावी चुनाव को जोड़कर ही देखा जाएगा। और तो अब यह सभा बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा और पूर्व विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी की आक्रोश सभा आगामी चुनाव में क्या गुल खिलाती है क्या रंग आता है इस आगे आगे आगामी चुनाव में यह देखने वाली बात होगी। धन्यवाद।